हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोग को लेके आया मेरा चैनल के द्वारा आपको सिलबट्टा। आप लोग नाम सुने होंगे, काफ़ी मतलब नामी इलाका है, काफ़ी फेमस इलाका है। तो मैं आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे साथ में वीडियो में बने रहिए, आपको आगे का भी दिखाएंगे और वहाँ पे जो गार्डन है, पार्क है, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए, आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस देख सकते हैं, जैसे ये सिलबट्टा है, सिलबट्टा आप लोग बहुत सारे लोगों ने नाम सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। पानी का बहुत ही रफ्तार से पानी आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, मतलब इतना ऊपर से मतलब पानी गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देख सकते हैं। ये काफ़ी दूर से ये पानी आ रहा है, जैसे आप आगे आपको दिखाई दे रहा होगा जंगल, उस जंगल का ही पानी है ये। कोई ना कोई नहर है, ना कोई मतलब नदी है, तो इसी मतलब पहाड़ का पानी आते हुए जैसे नहर का जैसा होके इधर में आ रहा है। खास इतना बड़ा नहर है नहीं, लेकिन वो जो लंगबक्कू, इसके बाद में आपको सिलुनी से आते हुए जो नदी जो छोटा है, वही नदी का रास्ता इधर आके आपको यहाँ में मिलता है। सो मैं आपको आगे का भी दिखाएंगे नज़ारा, चलिए देखते रहें। और यहाँ पे हम लोग आगे और जाने वाले हैं, जैसे अंदर में पार्क है सो आपको दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ में बने रहिए। तो गैस मेरा कहने का हिसाब से, जैसे मैं अभी सिलबट्टा ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, आपको आगे जो नहर जो दिखाया, जो नदी दिखाया, उसके सामने का ही कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये मतलब डिमापुर से आए हुए रोड है, जो मतलब ये कार जो लाल कलर का जो कार आ रही है, वो तो मतलब डिमापुर से आते हुए रोड है। और ये मतलब जो आपको ये डोबुखा हुजाई जाने वाला रोड है, देख सकते हैं। ये आपको इसका लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये सिलबट्टा है, सब कुछ सिलबट्टा आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, आगे में भी काफ़ी सारा मतलब जैसे पिकनिक प्लेस है। अभी दिसंबर के बाद में बहुत सारे लोग मतलब पिकनिक में बहुत सारे मतलब पिकनिक देखने को आते हैं, बच्चे लोग या फिर बहुत सारा फैमिली लोग। सो देख सकते हैं हम लोग गेट के अंदर में जा रहे हैं। तो गाइस मैं आज आप लोग को एक ऐसा चीज़ दिखा रहे जो पत्थर में बनाया हुआ है, जिसको आप लोग अपना लैंग्वेज में क्या मच्छी बोलते हैं, इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में इसको गड़ोई भी बोलते हैं, जिसका मतलब काला होता है और बहुत सारा जिसका बच्चा होता है। सो देख सकते हैं पत्थर में बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। ये सिलबट्टा में है, जैसे मुंह काफ़ी सुंदर से खोल के रखे हुए हैं। और देख सकते हैं इसका चारों तरफ से आपको दिखाएंगे एक बार, ये पत्थर का बनाया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे इसका पिछवाड़ा है, तो अभी मैं आपको पूरा एक बार दिखाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर में मतलब काफ़ी सारा पिकनिक प्लेस है। सो हम लोग अंदर जा रहे हैं और दोनों तरफ से भी काफ़ी सारा मतलब पिकनिक का प्लेस बना के रखे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, कभी आप लोग को भी अगर आने का होगा, बच्चा लोग को लेकर इंजॉय करना होगा, तो आप भी आ सकते हैं। साथ में नहर भी है और मतलब पानी भी मतलब ऊपर से गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा है। सो आगे जा रहे हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक नाग सब बना के रखे हुए हैं सिलबट्टा में। ये जो नाग सब का जो चेहरा देख सकते हैं आप, ये है, आपको पूरा घुमा के दिखाएंगे, पत्थर से बनाया हुआ, आप लोग नहीं देखे होंगे, ये नाग सब है। जैसे इसका पिछवाड़ा यहाँ पे है, तो पूरा मतलब पेड़ को घेरा हुआ है ये नागसाप का, मतलब राउंड से। सो एक तरफ मुंह है, देख सकते हैं ये पिछवाड़ा है, इसका पूंछ है और ये इसका मुंह है। सो देख सकते हैं ये नागसाप है, डर लग रहा है कहीं आके काट ना ले। सो तो अब लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मतलब जो ये गार्डन जो आप देख रहे हैं, ये सिलबट्टा के अंदर में ये गार्डन है, जैसे बच्चे लोग का ये
झूलना वगैरह है और ये पिकनिक प्लेस है। और आप लोग कभी कभी अगर आना होगा बच्चे लोग को लेके घूमने के लिए, अभी छुट्टी भी हो रहा है, बच्चे लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, सो आप लोग भी आके देख सकते हैं। ये असम में है, ये सिलुनी पार करके आपको कुछ ही मतलब 5 या 6 किलोमीटर का मतलब पास में ही है, सो देख सकते हैं ये सिलबट्टा ये पार्क है। और यहाँ पे मतलब वाटरफॉल भी है, सो आपको एक बार जगह भी दिखा देते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे मतलब किचन वगैरह भी है जो खाना वगैरह बनाने के लिए, जैसे पिकनिक प्लेस में जो खाना बना जो आदमी लोग बनाते हैं। तो गैस देख सकते हैं जैसे ये सिलबट्टा का जो नहर है, जो पत्थर के बीच बीच में जैसे मतलब पानी सब पत्थर के साइड साइड से होते हुए जो पानी जो जा रहा है ये नदी में नहर में, जो ऊपर से गिरता हुआ पानी जो आपको दिखाया था उस तरफ का ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया जैसे नदी का जैसा है। सो देख सकते हैं ये जो पहले जो मैंने आपको दिखाया था जिसे ऊपर से पानी गिरते हुए, ये पानी देख सकते हैं हम लोग अंदर में आया हुआ है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको और। तो गैस मैं अभी फ़िलहाल पहुंच चुका हूं नदी के अंदर, जैसे मेरा चारों तरफ से नदी है और मैं एक तरफ में आके पहुंचा हूं। जैसे ये देख सकते पानी है, ये पानी है देख सकते हैं एकदम, मैं पानी के मैं नज़दीक में हूं, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये पानी गिरते हुए दिखता होगा आपको। और काफ़ी सारा पत्थर है, सो यही मतलब आपको दिखाने में आया था। जैसे यहाँ पे मैं भी मेरा चारों तरफ से नदी है, अब ज़्यादा अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, सो नहाने के लिए अगर होता तो मैं नहा के आपको दिखा देता, लेकिन मुझे अभी नहाना तो है नहीं। सो देख सकते हैं जैसे ये मतलब पत्थर पत्थर चारों तरफ से है, और आगे भी आपको दिखाएंगे जैसे पिकनिक प्लेस है, और यहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारा जगह है, सो देख सकते हैं।